नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई आई नहीं, किसको आई बोल रहे हैं? आज मैं बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ गया था, क्योंकि अगर नींद पूरा हो जाता है तो हर इंसान जल्दी उठ जाता है। कोई कोई की आदत होती है कि बहुत जल्दी उठ जाता है, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। और आज जो उठा तो महसूस हुआ कि अब ठंडा नज़दीक ही है, क्योंकि अक्टूबर के महीना में ठंडा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस साल थोड़ा सा लेट से आ रहा है। और आज मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं कोहरा किया हुआ है, जिसको कि हम लोग ढूंढरा कहते हैं, और सूर्य देवता भी थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहे हैं। और अभी कहे जाए तो ढूंढरा बहुत तेज़ी से गिर रहा है नीचे, यानी कि जो नीचे का गर्माहट है वो ज़्यादा हो रहा है, तो ऊपर का जो भी है वाष्प वो नीचे गिर रहा है, तो जल्दी जल्दी गिर जाएगा। और देखेंगे कहाँ, तो कुछ ही देर में देखेंगे कि धूप हो जाएगा। तो दोस्तों यही बता रहा था सुबह सुबह, और देखते हैं आज क्या होने वाला है। एडवेंचर वाला ब्लॉग, एडवेंचर भरा ब्लॉग आपने देखा तो कैसा लगा? अरे इसको पकड़े पकड़े तो भाई साहब कहाँ करना है तुमको, ये परेशान करके रखता था। अभी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है और हर समय रोने धोने का नाटक लगाए रखता है, चुपचाप रहने का तो नाम ही नहीं लेता। इसके छोटे से पैर आगे हैं, इधर उधर जाते रहता है, और बाल्टी में पानी रहता है तो उसमें मुंडी अपना डाल के करता है। तो चलिए देखते हैं आगे होता है क्या। हम अभी जा रहे हैं घर, और मुझे जो एडवेंचर ब्लॉग है उसका थंबनेल बनाना है। वीडियो तो 6 GB का फाइल हुआ तो शाम को ही अपलोड कर दिया था, और इसको कुछ पकड़े तो मैं वीडियो की थंबनेल बनाऊँ। देखना अभी इसको, जाओ कहाँ जाना है, फिर वही बात। पापा के पास जाना है, जाओ जाओ ना, जाओ पापा के पास जाओ। देख रहे हैं इसको कहाँ जा रहा है, कहाँ रे, कहाँ, उधर अंदर आओ, उधर नहीं बिच्छल है रे, इधर आओ इधर नहीं, हाँ? नहीं तो प्लेन है, नहीं है। हेलमेट पहना के ना छोड़ देखा, गिर ही बदाबाद उधर बता रहा हूँ नरे इसको कैसा कर रहा है, कैसे रे? बहुत बदमाश हो गया। हाँ चुपचाप इधर आओ, कहाँ गए थे? चलो वीडियो में बताओ तो कहाँ गए थे, अब मोबाइल को कहाँ। ओहो, देख रहे हैं ना आप लोग इसको कैसे बदमाशी करता है, और रोने के लिए तो जानता नहीं है, करता है। नहीं लागे ज्यादा बिछल नहीं रहे, माटी नहीं रखा दो, हाँ का खोज था, हाँ पापा ठीक है, मैं रोने के लिए सिखा दूं। नहीं 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 रोते हैं, सो अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ, ट्रैक्टर की जुताई हुआ है उसका पैसा लेने, और साथ ही में फोन पे भी स्टार्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो उनका कहना था कि फोन पे भी स्टार्ट कर देना, और पैसे अकाउंट में है तो अकाउंट से भी ट्रांसफर कर दूंगा। जा रहा हूँ और बने रहिए, जाते हैं, और ज़्यादा नहीं 450 रुपये लेना है। धूप जैसे कि देखा मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ देर में कर देगा धूप, ये देखिए धूप धूप कर दिया ना, मौसम खुला खुला सा नज़र आ रहा है। और इधर काम करने वाले काम भी कर रहे हैं, सभी अपने अपने संवार के कहला संवार के नहीं है साथ रहे। सो फटाफट चलता हूँ और फिर पैसे लेके आता हूँ, जो भी होगा आज पूरे दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगा, बस छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होता है, आपको तो देखने में मज़ा आता नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ सो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया कि जहाँ मुझे आना था, और यहाँ पर खनिहार छुलाई चल रही है, क्योंकि अभी धान का कटाई सीज़न आने वाला है, और धान हम लोग खनिहार में ही मिसते हैं, इसीलिए खनिहार छुलाई चल रही है। वैसे अभी सरसों की बुआई भी हो चुकी है लगभग लगभग,
लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अभी खेतों में करना तो बाकी है। अभी तो सिर्फ फिलहाल बारी का ही हुआ है और अभी खेतों में करना बाकी है। देख सकते हैं इसमें भी कुछ कुछ बोया गया है, शायद सरसों हो सकता है। अभी के सीजन में सरसों के अलावा क्या बोते हैं वो भी हो सकता है, शायद हो सकता है इसमें हो कुर्थी। सो फाइनली दोस्तों फोन पे उनका चालू कर दिया और जितना पैसा लेना था और मिल गया, और फटाफट मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ इधर से घर, क्योंकि घर वालों का बुलावा आया है नांगर लेके जाना किसी और का जोतने के लिए, तो मुझे पकड़ना पड़ेगा बच्चे को। तो फटाफट चला जाए बिना किसी देरी के। दोस्तों देख सकते हैं 10 रुपये का छोटा पैक बड़ा धमाका नारियल तेल मंगाया हूँ। क्या करूँ, अपने पास थोड़ा सा बजट का इशू है, कोई नहीं, इसी तेल से अपने बालों की चंपी की जाए। और ये रहा तेल हाथों में, तो फटाफट बालों की चंपी वंपी कंप्लीट करते हैं, तेल आगे मिलते हैं। तो दोस्त मन कैसे हो आप लोग, सब मस्त हो ना, बने बने हो ना। एक परेशानी आ जाती है कि हम लोग के घर में मुर्गी घुस के और इस अरहर की दाल को छींट देते हैं। बताओ, सुखवाने के लिए रखें कि उनके पैर से छींटने के लिए, भाई खाओ उसमें से अपना चोंच डाल के जो मिल जाए। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, नहा धोवा के रेडी हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मुझे थोड़ा बहुत और कार्य करना बाकी है, लेकिन आज नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि समय को देखते हुए आज शायद लगता नहीं है हो पाएगा। मुझे 2 जने का पैन कार्ड बनाना है और उसके लिए मेरे पास फॉर्म होने चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। और अभी निकलवाने जाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा तो रात हो जाएगा और रात में फिर काम हो पाएगा नहीं, इसीलिए आज नहीं जा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन भर से क्या कर रहा था, दिन भर से कुछ ना कुछ काम ही कर रहा था, या थोड़े बहुत टाइम मिला उस पर कुछ कंटेंट रिसर्च के बारे में सोच रहा था। सो सोचते सोचते देख ही सकते हैं कि कितना वक्त हो चुका है, और अभी तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन इसमें भी हो पाएगा नहीं मुझे लगता है। तो अब नेक्स्ट ही इसको किया जाएगा और बस ऐसे ही, कोई कोई अगर मिलते रहे पैन कार्ड बनवाने के लिए तो 10-20 रुपये अपना खर्चा पानी का निकल जाता है। बाद बाकी तो ज़्यादा बिजनेस टाइप का हो नहीं रहा काम, इसको बड़ी स्केल पे करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लगे। सो हो सकता है फ्यूचर में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें, सो बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर किसी के बेहतरीन से ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।